وهؤلاء نأتي بكتب السلف نأتي بالقرآن نأتي بالسنة نأتي بكتب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وما ألفه أحمد وما ألفه غيره نأتي بها ومن هو على طريق هؤلاء ومن يناقذهم ويخالفهم أنا أقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز ये सवाल है बर मेहरबानी सूद के देने पर कुछ फरमाए फर्म, मैं तो अर्जी करता हूँ हमेशा देखिए बात यह है कि सूद क्या है पहले तो इसको समझ लेना चाहिए सूद असल में किसी को जब आप कोई सरफी चीज़ कोई कंज्यूमेबल चीज़ देते हैं तो उस पर अगर आपने कर्ज़ के तौर पर वो चीज़ दी है तो जायद का मुतालबा करने का नाम सरफी चीज़ या कंज्यूमेबल चीज़ से मतलब है आपने पैसा दिया है पैसा कंज्यूम हो जाएगा खर्च हो जाएगा आपने किसी को गंदम दे दी आपने किसी को आटा उधार दे दिया है खाया जाएगा आपने किसी को ग्रॉसरी दे दी है ख़रीद के वो इस्तेमाल हो जाएगी तो चूंकि जो चीज़ कंज्यूमेबल होती है जिसको पुरानी असलाह में सर्फ़ी चीज़ कहते हैं यानी सर्फ हो गई खर्च हो गई वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकी तो इसके ऊपर जब आप जायद का मतालबा करते हैं एक आदमी ने आपसे चार सौ पाँच सौ रुपये मांगे और उसने कहा कि मुझे ये कर्ज दे दीजिए मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है या उसने कोई दो लाख रुपये मांगे मुझे बच्चे की तालीम का बंदोबस्त करना है तो जो आपको वो देगा वो अगर आप जायद मांग रहे हैं तो उसने तो ये भी खर्च कर लिया है इसको पैदा करेगा फिर आपको देगा समझ रहे ना इस बात को कंज्यूमेबल चीज़ के ऊपर अगर आप जायद मांगेंगे तो ये सूद है यूजेबल चीज़ के ऊपर अगर आप जायद मांगेंगे तो वो कराया है और वो बिल्कुल जायज़ है यानी आपने मेज़ किसी को किराए पर दे दी आपने गाड़ी किसी को किराए पर दे दी आपने मकान किसी को किराए पर दे दिया तो जब आप किराए पर कोई चीज़ देते हैं तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं जो फना नहीं होती जो कंज्यूम नहीं होती तो सूद यूजेबल चीज़ों के ऊपर होता है पहले तो ये समझ लीजिए चाचे मुझसे बार बार सवाल किया गया है मॉर्टगेज के बारे में मकान गाड़ी तो मैंने बताया है कि इसका सूद से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसमें रुपए को चीज़ में तब्दील कर दिया गया है और वो यूज़ेबल हो गई है तो इस वजह से इसमें कोई सूद नहीं होता पहली बात ये समझ लीजिए ये सिर्फ कंज्यूमेबल चीज़ों में होता है दूसरे ये कि अल्लाह ताली ने कंज्यूमेबल चीज़ों में सूद लेने को हराम किया है इसलिए कि आप एक दूसरे शख्स के साथ ज्यादती कर रहे हैं देने वाला क्या कर रहा है वो तो, तो अपने जायज़ कमाए हुए पैसे में से दे रहा है कोई ज़्यादती नहीं कर रहा तो इस वजह से सूद खाना सूद लेना ये हराम है देने की कोई हरमत नहीं है किसी ज़रूरत के तहत आदमी को बाजूक़त कर्ज लेना पड़ता है और अगर किसी ऐसी जगह पर हो के जहाँ पर उसको सूदी पर कर्ज मिल सकता तो क्या करें तो इस वजह से देने को हराम नहीं किया गया आप कुरान मजीद की सूरा बकरा के आखिर को निकालिए और उसको पढ़िए तो आप ये देखेंगे कि उसमें जो सूद देने वाले हैं उनके ऊपर अल्लाह कितनी शफकत फरमा रहा है उनको मज़लूम करार दिया है उनके बारे में अल्लाह ताला ने तरगीब दी है कि तुम सूद का रुपया भी छोड़ दो और इनको असल ज़र प्रिंसिपल के बारे में भी मोहलत दो ताकि दे दे तो दूसरी गलत फहमी यह है यानी पहली गलत फहमी यह है कि लोगों ने कंज्यूमेबल चीज़ों के साथ यूज़ेबल चीज़ों में भी सूद बना दिया है तो किसी यूज़ेबल चीज़ में सूद नहीं होता उसमें वो किराए की शक्ल में आप जायद दे रहे होते हैं चीज़ के इस्तेमाल का कराया है वो बिल्कुल जायज़ है दूसरे ये कि लेना इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल हराम है उससे हर मुसलमान को बचना चाहिए देना इसकी हरमत नहीं है रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में जब सूद को आउट ला कर दिया गया यानी जब उसको कानूनी तौर पर भी ममनू करार दे दिया गया और लोगों को पाबंद कर दिया गया उसके बाद देने वालों को भी रोका गया तो ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए आम तौर पर इसमें एक हदीस बयान की जाती है आप मेरी साइट पर जाइए तो वहाँ मैंने सूद का मसला के उवान से एक आर्टिकल लिख दिया अंग्रेज़ी में भी है उर्दू में भी है उसमें मैंने ये बताया है कि उस हदीस के एक लफ्स को समझने में कितनी गलती हुई है तो उसको भी दुरुस्त कर लीजिए तो कंज्यूमेबल चीज़ों में सूद होता है यूजेबल चीज़ों में कभी सूद नहीं होता और ये लेना ही हराम है देने का मामला उस वक्त जेर बहस आएगा जब किसी हकूमत के तहत सूद को बंद कर दिया जाए

और ये बात हमारे तमाम जूरस तमाम फका भी मानते हैं तमाम फिका की किताबों में ये बताया जाता है कि सूद सिर्फ कंज्यूमेबल चीज़ों में होता है ये एक वाक्य है इसको कुरान ने बयान नहीं करना था ये तो दुनिया जानती है सूद कहते ही इसको है सूद कुरान मजीद ने ईजाद नहीं किया आके दुनिया पहले से वाकिफ ती सूद क्या होता है ये बाइबल में भी ऐसे ही बयान हुआ है तो इस वजह से इसको समझा जाएगा कि सूद कहते किसको है तो सूद और किराए में फ़र्क ये है कि कंज्यूमेबल चीज पर जायद लेना सूद है और यूजेबल चीज़ पर जायद लेना कराया है यही फर्क है